25 तारीख को आपने इमरजेंसी को याद किया। मुझे जब इमरजेंसी की याद आती है तो रविशंकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, सामने सुशील मोदी जी बैठे हुए हैं, तारकिशोर जी हैं, बाकी हमारे पुराने लोग हैं। हमें मालूम है कि हम लोगों ने इमरजेंसी में क्या क्या दिन देखे। हमें वो भी मालूम है कि जय प्रकाश नारायण जी के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाने का मतलब ही अरेस्टिंग हो जाने के बराबर था। यह भी हमने दिन देखा है कदम कुआं में, जब हम जय प्रकाश नारायण जी के घर की तरफ इमरजेंसी के दिनों में जाना पड़ता था या जाने का कोई कारण बनता था। ऐसे भी दिन देखे हम लोगों ने, तो वो इमरजेंसी को भी आपने याद किया है। मैं चाहूँगा कि बिहार में बहुत सी नई पौध आई है, नए नेतृत्व आया है, नए लोग हैं, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी वैसे उन्होंने इमरजेंसी की लड़ाई नहीं देखी। उनको बताना, उनको समझाना, ये हमारा कर्तव्य है। मुझे याद है अश्विनी चौबे जी के साथ जेल के अंदर इमरजेंसी में क्या हुआ था, किस तरीके से इनके ऊपर पुलिस की बर्बरता इनके ऊपर बरसाई गई थी, वो भी हमको याद है। और ये सब भूलना नहीं चाहिए, इसे याद करना चाहिए और जनता को याद कराना चाहिए कि ये हम हैं तो प्रजातंत्र में मजबूती आ रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। और कांग्रेस की मानसिकता आज भी उसी प्रकार से है।